यहाँ पे हिजाब भी है और ये सब भी मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे हथियारों की दुकान है, ये चर्च है, उधर बगल में मॉस्क है। तो ये सब मिक्स करके गुड़ गोबर हवाबशी। भाई टांगे चल रहे हैं यहाँ पे यार अभी तक। सत श्रीकाल जी, वेलकम टू दी पंजाबी वंडर्स यूट्यूब चैनल। आज हम हैं कायरो, इजिप्ट की राजधानी, मिस्र की राजधानी में। और मेरे यार ऐसे मिसकंसेप्शंस बहुत सारे थे कि यार यहाँ पे सब लोग मुस्लिम होंगे, सब लोग बुरके में घूमते होंगे, सब बंदियाँ बुरके में घूमती होंगी। तो वो सब मिसकंसेप्शन मेरी टूट चुकी हैं। मतलब मैं 3 दिन से कायरो में घूम रहा हूँ और यहाँ के लोग काफ़ी मॉडर्न हैं और यहाँ पे क्रिश्चियंस भी बहुत हैं और मुस्लिम्स भी हैं। और खाने पीने का तो बहुत ही मतलब काफ़ी सही खाना है यहाँ पे। तो इस वीडियो में हम ये सब देखेंगे, खाना पीना और लोग कैसे हैं यहाँ पे और रोड्स कैसी हैं और एवरीथिंग अबाउट कायरो। स्टे ट्यून्ड। हाँ जी, तो यार आज हमें कायरो, इजिप्ट की राजधानी में, और सबसे पहली चीज़ मैंने देखी यहाँ पे, ये देखी यहाँ पे हिजाब भी है और ये सब भी मिल रहा है। तो मतलब हम लोग तो है ना, तो हम सोचते हैं कि भाई काफ़ी कंजर्वेटिव देश है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको जगह जगह पे ये सब देखने को मिल जाएगा। आगे एक और दुकान है। तो मेरा हॉस्टल इसी के पास में ही है और आज ईद, यहाँ पे ईद का दूसरा दिन है। तो रमज़ान ख़त्म ही हुआ है। ये देखिए, ये एक और दुकान है, इसमें भी देखिए हिजाब भी है और मतलब ऐसे नाइट ड्रेसेस वगैरह भी मिल रही हैं। और यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि सब बंदियाँ ही हिजाब पहनती हैं, आपको मिक्स देखने को मिलता है। जैसे ये बंदियाँ, इन्होंने हिजाब पहना है, और कई लड़कियाँ वैसी भी हैं जो वैसे जीन्स वगैरह पहनती हैं, क्योंकि क्रिश्चियन भी रहते हैं यहाँ पे। और मुस्लिम लड़कियों को भी ऐसा नहीं है कि पहनना ही है हिजाब। और ये देखिए, ये बहुत मशहूर दुकान है, यहाँ पे रोज़ ही भीड़ लगी होती है इतनी। तो लोग यार ऐसे ही हैं, मिक्स है, मतलब काफ़ी ऐसे। पिरामिड्स पे भी बहुत, ये देखिए यहाँ पे भी ये सब है, पिरामिड्स पे भी लोग काफ़ी पीछे पड़ जाते हैं, मेरी घोड़े की सवारी करो, मेरे ऊँट की सवारी करो, फोटो ले लो, ये करो वो करो। तो ये एक्चुअली डाउनटाउन है कायरो का। और आज ही मुझे बंदा मिला, एक कटिंग कराने जा रहा था मैं। मतलब वो लूटते रहते हैं, बस लूट लो बंदे को, जैसे इंडिया में भी करते ही होंगे, ऑब्वियस दिल्ली में ये सब होता ही होगा। जैसे वो देखिए, वो सामने बंदी आ रही है, वो जीन्स में है, तो जीन्स टी शर्ट वाली भी है। और देखिए वो सामने भी 3 आ रही हैं। तो मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव सा होगा, बट उलट ही है उसके, कंजर्वेटिव नहीं है। मतलब एक बंदी से मिला यहाँ पे मैं, बता दी थी, कह रही है कि हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि डेट वगैरह नहीं करते लोग, डेट भी करते हैं। जैसे अपने भी होता है ना कि भाई छोटे शहरों में ऐसे हाथ में सबके नहीं घूम सकते, कोई देख लेगा घर बता देगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, चिल सीन है काफ़ी। तो अभी एक्चुअली हम जा रहे हैं इधर, नाइल रिवर है जो वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट है शायद, फर्स्ट अमेजोन है, और इधर कोई पड़ती है। थोड़ा चलते हैं, ये डाउनटाउन सबसे हैपनिंग है। मतलब मुझे लोग बोले थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, मैंने कहा भाई मैं इंडिया से आया हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा भीड़ कुछ नहीं होता उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा भीड़ है, अपने लिए नहीं है। तो अरे सरदार जी, यार ये लड़के, मतलब यहाँ बहुत सारे लड़के, मैं कल भी मिला, तो कल एक्चुअली यहाँ पे कुछ सीन हो गया था, तो मेरे साथ पुलिस थी, मतलब मेरा कुछ सीन नहीं हुआ था, किसी की हेल्प कर रहा था मैं। तो हम ना होटल जा रहे थे, सारे होटल जाके सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहे थे, वहाँ मुझे मिले लड़के अपने 7-8 डोंकी वाले। तो बहुत है भाई, हर जगह पे हैं डोंकी वाले, बच्चे मतलब बच्चे, जवान सभी 40-40 लाख रुपए दे के जाते हैं अमेरिका। तो एक्चुअली कल मैं गया था एक क्रिश्चियन जगह पे, मतलब लग रहा था कि यहाँ पे इस्लामिक कंट्री है तो सब ऐसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं। तो कायरो के अंदर एक बहुत बड़ी मोनास्ट्री है, कल मैं गया था वहाँ पे, काफ़ी अजीब से मुझे अजीब सा लगा, मतलब जीसस की फ़ोटो।
तो अभी हम आ गए हैं दूसरे इलाके में, क्रिश्चियन इलाके में। तो ये देखिए सामने जो फोटो लगी है, तो जीसस बने, इधर भी जीसस बने। तो यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो क्रिश्चियन हैं और वो सब काम करते हैं रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में। और ये यहाँ पे ज़्यादातर बिल्डिंगें जो डाउनटाउन में वो ऐसी सीन लगता है जैसे यूरोप में हो आप, मतलब मेन एक गेट होता है अंदर जाते हो तो अंदर जाके फिर सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ और हाथ लोग पे जाते हैं, जैसे यूरोप में रहता है। मुझे मोस्टली लोग समझते हैं कि मैं इजिप्शियन ही हूँ और मेरे से अरबिक में बात करने लग जाते हैं। बाकी यहाँ पे मतलब लड़कों का स्टाइल वगैरह काफ़ी सही है, मतलब हेयर स्टाइल, जूते, कपड़े काफ़ी फैशनेबल है। मतलब यहाँ पे गाड़ियों के ब्रांड देखिए, मर्सिडीज है, किया है, BMW है, और ऐसी पुरानी गाड़ियाँ भी हैं जैसे वो विंटेज कार टाइप्स। ये तो पुलिस की गाड़ी आ गई। तो देखिए यार, ये जो सामने ये म्यूजियम है यहाँ का, नेशनल म्यूजियम, काफी बड़ा म्यूजियम है ये, और इसकी एंट्री टिकट है तकरीबन 600-700 रुपए। मैं अभी नहीं गया उसके अंदर। और ये इनका सबसे बड़ा होटल है रिट्ज़ कार्ल्टन, और इधर जाके आता है तहरीर। ये जो पिलर लगा है, ये जो इलाका है, ये तहरीर स्क्वायर है जहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ था इजिप्ट वाला, ना आपने अगर मतलब सुना होगा वो नाम तो। और वो है मेन जो चौक है सामने जो पिलर वाला, और या दैट्स द मेन तहरीर स्क्वायर। बाकी लोगों के यहाँ पे मतलब अगर हम कलर ऑफ द स्किन देखें तो बहुत गोरे भी हैं, हमारे जैसे भी हैं, इंडिया जैसे भी हैं, थोड़े ब्लैक में भी हैं। तो हमें जाना है उस तरफ, तो यहाँ से मतलब क्रॉस यहाँ पे ऐसे ही है, इंडिया के हिसाब से ही है, भाग के क्रॉस कर लो कहीं से भी सड़क, ऐसे हाथ दिखा के, मतलब काफ़ी सिमिलर है इंडिया जैसे। और खाना, हाँ खाना यार, मैंने यहाँ पे ना कुशारी करके एक चीज़ होती है, कुशारी वो खाई। एक तो शर्मा, तो शर्मा तो हर जगह यहाँ पे है ही, बट कुशारी खाया था, वो काफ़ी सही था। तो यार ये है कुशारी। कुशारी में क्या होता है कि देखिए, चने हैं, कुछ नूडल्स हैं, चावल भी होते हैं इसमें, और दाल होती है, और उसके ऊपर से ये टोमेटो सॉस और कुछ नमकीन सा डालते हैं ऊपर, और ये स्पाइसी, और ये शायद नींबू है। तो ये सब मिक्स करके गुड़ गोबर जैसे अपने इंडिया में खाते हैं। ये देखिए बीच में चावल भी है। तो ये मैंने कल खाया था, आज मैं दूसरी बार खा रहा हूँ, काफ़ी सही चीज़ है। तो अभी हमें रोड क्रॉस करनी है इधर ही। ऐसी करनी पड़ेगी भाग भाग के, कोई यहाँ पे है नहीं हिसाब किताब। आसान था काफ़ी, मतलब इतनी ये आ गई इधर से गाड़ी, अभी जैसे अपना CP है गोल चक्कर। तो यहाँ पे मेट्रो भी है वैसे, ये मेट्रो का ही गेट जा रहा नीचे, पर मैं गया नहीं हूँ मेट्रो में, ज़रूरत नहीं पड़ी यार। मैं डाउनटाउन में गया था, यहाँ पे ऊबर चलती है, ऊबर लो आराम से सस्ती है। गीज़ा जो है वो काफ़ी गरीब सा है भाई, तो पहले दो दिन में वहीं रुका था, और फिर वहाँ से मैं ऊबर लेके आ गया था इधर ही कायरो। यहाँ पे दो दिन अभी और हैं, मेरे को दो दिन हो चुके हैं और अब दो दिन और हैं भाई। टांगे चल रहे हैं यहाँ पे यार अभी तक, शायद ये टूरिस्टों के लिए है, सिर्फ लोकल्स तो नहीं बैठते होंगे इसमें, बट चल रहे हैं देखो टांगे अभी भी। और ये ब्रिज है सामने, और जो सामने आप देख रहे हो वो कायरो टावर है, उसमें शायद जा सकते हैं ऊपर मेरे ख्याल से। बाकी अब हम ब्रिज पे पहुँच ही गए हैं, ये नाइल नदी पे है ब्रिज, तो देखते हैं नदी ब्रिज से। तो ये रही भाई नाइल रिवर, यहाँ पे बहुत सारे क्रूज भी चलते हैं, आप ले सकते हो क्रूज अगर आप आते हो स्कूटर, लेकिन अपने को नहीं है कोई भी शौक ऐसा। काफी भीड़ है यहाँ पे।
बर्फ पड़ रही गाइस। फिर वो झंडा इजिप्ट का साथ पता नहीं क्या है, लाल रंग का पता नहीं। और ये रहा कायरो टावर, बाकी जैसा वाला अपना माहौल दिल्ली वाला वही है। ये लो देख गए विंटेज कार, कुछ तो इनका पता नहीं कोई है बंदा, ये मुझे नहीं पता कौन है। ये इनकी शेयर टैक्सियां, कल गया था मैं ऐसी एक शेयर टैक्सी में, और बंदियां भी ड्राइव करती हैं यार यहाँ पे, ऐसा सीन नहीं है। मतलब जो जो हम चीजें सोचते हैं उसके उल्टे है। तो लो जी मेट्रो में भी आई गए, लेकिन द मॉर्निंग आई वॉज मेकिंग अ वीडियो दैट देयर इज अ मेट्रो हेयर ऑल्सो बट आई हैव नॉट बीन, सो नाउ वी आर इन द मेट्रो। यहाँ से टिकट लिया और ये शुक्रान, सो मतलब इंग्लिश में भी लिखा हुआ है रास्ते, मतलब जो भी स्टेशन के नाम वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अरबिक में अगर आपको नहीं आता है पढ़ना लिखना। तो ओके नाउ दिस इज लाइक दिल्ली मेट्रो बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल इन तो यार यहाँ पे जो बसों का सिस्टम है वो कोई ऑनलाइन नहीं है, ऐसे ऐसे दुकान सी थी एक, तो यहाँ से मैंने टिकट ली है अभी नेक्स्ट शहर जाने की। आज की नहीं मिली, आज फुल हो गया था सब सामान, तो कल की मिली है। अभी हम एक दिन और रुकेंगे फिर कायरो में ही, आपको थोड़ा सा और कायरो दिखाएंगे और फिर कल जाएंगे सिवा। कल रात की बस है तो रात को ही चलती है ये, तो ये शायद अगली वीडियो में दिखाऊंगा आपको मैं सिवा ओएसिस और ये जो भी। और यार यहाँ पे जो एटीएम है वो ऐसे होते हैं, थोड़ा सा ऐसे लगा देते हैं ऊपर आके शेड सी कि पीछे से कोई आपको देखे ना, और लाइन लग जाते हैं लोग पीछे ना। लेकिन अभी चल रही ना ईद है तो सब कोई मतलब एकदम खाली पड़ा है शहर, तो ऐसे ऐसे एटीएम है। लेकिन मैंने एटीएम यूज़ नहीं करा बिकॉज यहाँ पे क्या सीन है कि अगर आप यहाँ से निकालोगे तब को रेट मिलेगा $1 पे 30 से 31 इजिप्शियन पाउंड, लेकिन अगर आप करते हो क्या बोलते हैं उसको एक्सचेंज करते हो मार्केट से करते हो तो आपको 33-34 तक रेट मिल जाता है, तो इसलिए मैंने यूज़ नहीं करे। बाकी सब कुछ लिखा तो अरबिक में हुआ है यहाँ पे भी, बांके मिस्र। ये देखिए यहाँ पे हथियारों की दुकान है, लिखा हुआ है फतेहअल्लाह आर्म्स, तो बंदूकें की दुकान मिल जाती है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे चर्च है, तो आप हमें लगता है कि भाई यहाँ सिर्फ मुस्लिम लोग रहते हैं, तो नहीं यहाँ पे चर्च भी है। तो यार ये देखिए यहाँ पे ये चर्च है, उधर बगल में मॉस्क है, तो यहाँ पे चिल है मतलब मुसलमानों में और क्रिश्चियंस में। इधर अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने, कुछ स्पेशल डिश है यहाँ की, ये कुछ मुझे बताया मेरे हॉस्टल में बंदे ने, तो वो ढूंढ रहा हूँ मैं। इधर ही ये पार्क सा है एक बड़ा सा, और अभी मैंने थोड़ी शॉपिंग भी कर ली, टी शर्ट ले ली 800 रुपये की पड़ी होगी, मतलब ठीक है यहाँ पे ना काफ़ी सही जूते और टी शर्ट बहुत सही सही है। तो अभी इधर को जाके ही है अपना वो रेस्टोरेंट। तो एक्चुअली लोगों की पिकनिक वगैरह चल रही है यहाँ पे, सब लोग बैठे हैं पार्क में आके, और ये मतलब दिन में आपको 5 बार नमाज सुनाई देगी स्पीकरों पे। शायद सुबह भी नहीं सुनती, सुबह 4 बजे भी होती है शायद एक, लेकिन वो मैं शायद मैं उठा नहीं एक बार भी, तो मतलब इतना
पता नहीं सुबह वो स्पीकर पे होती कि नहीं 4 बजे वाली, लेकिन दिन में मैं सुनता हूँ 3-4 बार। तो यही है जगह, देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। अब पता नहीं अंदर बैठने का क्या जुगाड़ है, ये काफ़ी मशहूर है तो इसलिए। तो यार 10 मिनट वेट करने के बाद मेरी बारी आई है अंदर आने की। ये अभी सलाद दे दिया इसने, साथ में हुमस टाइप कुछ है पता नहीं क्या है, और ये शायद इसने वो दिए प्लास्टिक के दस्ताने, तो यहाँ पे सब लोग उसी से खा रहे हैं। और मैंने ऑर्डर कर दिया, मेन्यू पूरा अरबिक में था, कुछ समझ नहीं आया, और मेरा इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा यहाँ पे पता नहीं क्यों। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया भाई कुछ ला दे मेरे को, हवाबशी हवाबशी बोल दिया बस मैंने। इस फिश को बोलते हैं हवाबशी, जो ब्रेड होती है उसको हवाबशी बोलते हैं। तो देखते हैं भाई क्या आता है। भाई यहाँ पे अलग ही सीन है, लोग लड़ मर रहे हैं अंदर आने के लिए, पता नहीं क्या एक खासियत है इसके खाने में। बाकी इसमें वही है दस्ताने प्लास्टिक वाले, तो सब लोग उससे खा रहे हैं दस्ताने डाल के। मैं वेट कर रहा हूँ 10-15 मिनट हो गए मेरे को बैठे हुए, तक तो कुछ खाना नहीं आया। तो ये आया है भाई अपना हवाबशी, पिज्ज़ा ही लग रहा है मेरे को। तो चलो भाई शुरू करते हैं खाना, बहुत टाइम वेट कर लिया। तो ये देखिए ये है, इसमें मीट है 2-3 तरह का, चीज़ है, सब्जियां हैं, तो पिज्ज़ा ही है बस, उसके 2 क्रस्ट है ऊपर भी और नीचे भी, तो काफ़ी टेस्टी है। मतलब आई डेफिनेटली रिकमेंड, अगर आप आएँ तो ये ज़रूर खाएँ, काफ़ी सही है। तो यार ये देखिए क्रेजी सीन्स है, मतलब ये सारी जो भीड़ है गाड़ियों की भी, ये टेक अवे ऑर्डर्स के लिए खड़े हैं, और छोटी सी जगह अंदर बैठने के बहुत ज़्यादा मशहूर है। मेरे से खाया नहीं गया पूरा, मैंने पैक करा लिया, डब्बा भी जैसे पिज़्ज़ा होता है वैसे ही है। तो भाई चलते हैं वापस अपने हॉस्टल, मेरे से पूरा नहीं खाया गया। मेरे लगे यहाँ पे 140 इजिप्शियन पाउंड, जो कि हो गए तकरीबन 400 रुपये। तो अभी चलते हैं हॉस्टल वापस। तो यार मैंने यूज़ किया था अभी एयरलो के सिम, लेकिन चल नहीं रहा सही से, तो मैं हार के वोडाफोन पे आ गया हूँ। तो वोडाफोन से ले रहा हूँ तकरीबन $10, 800-900 रुपये का मिल जाएगा अपने को 24 GB इंटरनेट। अभी थोड़ी कम भीड़ लग रही है इस दुकान पे, तो यहाँ पे खा के देख ही लेते हैं। यार ये देखिए इनके कितना ज़्यादा सामान लगा रखा है, काफ़ी बड़े बड़े से जो भी बोलते हैं इनको तंदूर। तो ऑर्डर करते हैं और देखते हैं, अभी यहाँ पे तो वेटिंग है। तो यार ये है तकरीबन कितने का पड़ा है ये, 60 इजिप्शियन पाउंड हो गए, तो तकरीबन 150 रुपये। ये है शवरमा, सही है। Egypt fantastic. Yeah, it's nice. No. It's nice. Hind is awesome. Fantastic. I feel like Egypt is not chani, Hind is awesome. Yeah. तो यार अभी मैं ऊबर मोटो लेके आया था, ये बहुत ही जाइगेंटिक मॉस्क, एक तो इधर है और एक ये है। मेरे ख्याल से पहले इसमें चलते हैं, एंट्री शायद फ्री होनी चाहिए। तो इस जगह का नाम है मॉस्क एंड मदरसा ऑफ सुल्तान हसन, बहुत बड़ा है यार, लग नहीं रहा सिर्फ आपको वीडियो में, लेकिन बहुत ही ऊंचा है। तो यार भाई बोल रहा है कि 4:30 बजे तक है, यानी 4 या 4:30 बजे तक तो बंद है अभी, पता नहीं लोग तो अंदर जा रहे हैं, मेरे को रोक ही जा रहा है ये, मुझे नहीं पता क्या सीन है। वो इंग्लिश बोल नहीं रहा, क्लोज बोल रहा है बस। तो बाहर से ही देख लेते हैं भाई, नहीं जाने दे रहे तो नहीं जाते, अब क्या कर सकते हैं। ये जो है मॉस्क लग रही है जैसे टर्की में बहुत सारी ऐसी मॉस्क हैं, तो इट लुक्स लाइक इस्तानबुल, बट ये अब ये भी कासल के अंदर है, तो मैं ये भी बंद है भाई, कासल भी ये कासल के अंदर जाके जाना पड़ता है। तो मे भी जब मैं दोबारा आऊँगा कायरो तो शायद देख ले अंदर से, नहीं तो भाई बाहर से देख लो। और ये जो म्यूज़िक भाई बहुत सही है इजिप्ट में,
म्यूजिक तो बहुत सही है और सनसेट भी बहुत सुंदर हो रहा है और ये गाड़ी भी बहुत सुंदर है, मजे आ रहे हैं। तो देखिए एक और चीज़ मैंने ये लीमा में भी देखी थी, पेरू में, लीमा में। तो ये जो पेड़ है, ये पेड़ नहीं है एक्चुअली, ये खंबा है और इस पे सब एंटीना वंटीना लगे हैं, वो देखिए ऊपर, ताकि मतलब ये थोड़ा ऐसे एम्बियंस खराब ना करे तो उन्होंने बना दी शेप पेड़ की, बट है ये खंबा। Yeah, let's go to the water. नहीं नहीं मैं डूब जाऊंगा। Go 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 go. मैं डूब जाऊंगा। नहीं नहीं मैं डूब जाऊंगा। और जा तो सही यार अंदर, कुछ नहीं अंदर। शम्भू डूब नहीं रहा।